नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में बोर्ड निगम और सरकारी संस्थानों में कर्मचारी अब मन मर्जी से सेवा नियम नहीं बना पाएंगे। इसके तहत सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वो मॉडल सर्विस रूल्स के अनुसार ही सेवा नियमों में संशोधन कर सकते हैं। अब इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मंजूरी लेनी होगी। वहीं अदालतों में चल रहे विभिन्न मामलों में विभागों के अध्यक्षों को प्रतिवादी के रूप से मुख्य सचिव का नाम हटाने की हिदायत दी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों द्वारा भेजे गए सेवा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव आधे अधूरे होते हैं और न ही इनमें मॉडल सर्विस रूल्स का पालन किया जाता है। इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रस्ताव भेजते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राफ्ट सर्विस रूल्स मॉडल के अनुसार ही हों। वहीं आपको बता दें कि अदालतों में चल रहे विभिन्न मामलों में मुख्य सचिव का नाम प्रतिवादी से हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ इसमें मुख्यमंत्री की स्वीकृति होनी चाहिए और रूल्स का प्रस्ताव हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। साथ में पुराने नियमों के दस्तावेज भी होने चाहिए और अगर इसमें से कोई भी कमी निकली तो सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार अदालती मामलों में अगर प्रतिवादी से नाम नहीं हटवाया तो संबंधित अफसरों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें, प्रदेश सरकार से जुड़े किसी भी मामले में कोई याचिका दायर की जाती है तो मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया जाता है, वह भी तब जब याचिकाकर्ता मुख्य याचिका से कोई राहत नहीं मांगते हैं। इसलिए जिन याचिकाओं में फैसला मुख्य सचिव के स्तर पर नहीं होना है उनमें प्रतिवादी विभाग को अदालत के सामने आग्रह करके मुख्य सचिव का नाम प्रतिवादी के तौर पर हटाया जाना चाहिए। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि हर हाल में गैर जरूरी मामले में मुख्य सचिव का नाम हटवाया जाए, अन्यथा संबंधित अफसरों से जवाबी मांगी जाएगी।